श्री रमेश जैन जी समाज के अजिहे इंसानां विचों सन जिन्हां नूं समाज कदे भी नहीं भुल सकदा। आप जी बहुत ही शांत अते मिठ बोले सुभा दे मालक सन। गुरु घर प्रति सच्चे श्रद्धावान इंसान सन। हर एक गरीब अते दीन दुखिये दी मदद करना आप जी दा सुभा सी। आप बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी सन। आप जी दे चंगे संस्कार असीं आप जी दे समूह परिवार विच देख सकते हां। आप जी दा समुचा परिवार मिठ बोलड़ा है अते परमात्मा विच विश्वास रखण वाला परिवार है। श्री रमेश जैन हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उनां दे समूह परिवार वल्लों जैन स्थानक गड़ी गेट होशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों श्री रमेश जैन जी दे कीते कम्मां नूं याद करदे हुए उनां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। श्रीमती चंदन जैन जी के साथ प्रणय सूत्र में बंधे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमेश जी बेहद हसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को हंसाया हो। श्री रमेश जी उन चंद व्यक्तियों में से एक थे। महफिल चाहे बच्चों की हो, बड़ों की हो या बुजुर्गों की हो, उनके होने से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती।
यहां तक कि मैंने कई बार उन्हें उदासी भरे माहौल को भी अपनी बातों से खुशनुमा करते हुए देखा। जीवन में ऐसे पलों को भला कोई कैसे भूल सकता, और यह पल हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं। रमेश जी एवं उनका परिवार धर्म के कार्यों में, समाज के कार्यों में अपना योगदान हमेशा देता था। धर्म मां चंचल देवी, पत्नी चंदन, पुत्र एवं पुत्र वधु आदित्य पल्लवी, पुत्रियें आरती पूजा तथा दामाद नितेश एवं नवीन तथा धर्म भाई राजेश, भगवान आदिनाथ जी से केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, 7/4/16 को हमारे प्रिय रमेश का 66वां जन्मदिन है, जिसे उनके पोत्र दोत्र एवं दोत्रियें तान्या, जतिन, सम्यक, आर्यन, दिवांश एवं शौर्य बड़ी धूमधाम से होशियारपुर में मनाना चाहते हैं। प्रभु हमारे ना से ही उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की पुकार सुनकर हमारे प्रिय को 7/4/16 से पहले राजी खुशी होशियारपुर भेज देवे, मगर शायद होनी को कुछ और भी मंजूर था। रमेश जी 5/7/16 को होशियारपुर तो आए, मगर अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ नहीं, बल्कि एक अनचाही निद्रा में लीन सदा सदा के लिए इस संसार से मोह त्याग कर अलविदा कहने के लिए। कुछ अजीब था आपका हमसे अलविदा होना, कहा कुछ भी नहीं और सुना कुछ भी नहीं। मैं आदित्य जी से यही कहूंगा कि आपने सेवा बहुत की, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि इस युग में श्रवण कुमार मिलने बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये तो साक्षात श्रवण कुमार है, इसने कि अपने बाप की 40 दिन लगन से बहुत सेवा की। और ऐसी आत्मा का चले जाना परिवार के लिए वो बहुत बड़ी क्षति है, अभी तो समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं श्री शब्दाबर जी कामरा की प्रबंधक बैठी की ओर से जैसी मैंने बेटी ने दे दी थी श्रद्धांजलि, और श्री शब्दाबर जैन कामरा की प्रबंधक बैठी की ओर से, और श्री धर्मदास जैन श्रद्धाबर प्राचीन मंत्री डेटों की ओर से, सभी कार्यकारिणी की ओर से ऐसे पुण्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि एवं भावांजलि देता हूँ। कुछ दान राशि निकाली गई है जिनके लिफाफे यहाँ पर हैं, और मैं श्री आत्मानंद जैन सभा के प्रधान श्री मदन लाल जी और संरक्षक लाला मोहन लाल जी से गुजारिश करूँगा कि कृपया वो ये लिफाफे दे दें। मैं केवल संस्थाओं के नाम बोलूँगा, और वो संस्थाओं के अगर रिप्रेजेंटेटिव जहाँ हों तो कृपया वो अपना अपना लिफाफा यहाँ से लेकर जाएं। श्री बाबा जैना जी, श्री आत्मा जैन सभा रजिस्टर्ड होशियारपुर, SS जैन सभा होशियारपुर, समाधि मंदिर आत्मा राम जी कांगड़ा फोटो के लिए, वासु पूज्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जैन कॉलोनी जैन मंदिर, शिव मंदिर कनक मंडी होशियारपुर गौशाला हरियाणा रोड, महिला मंडल आराधना मंडल पूरी चार मंदिर, पुजारी चार मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर होशियारपुर, हनुमान मंदिर प्रताप चौक, कुष्ठ आश्रम, नवयुग निर्माता, स्थानक सेवादार।
तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, कृपया अपने लिफाफे लाला मोहन लाल जी संरक्षक और मदन लाल जी प्रधान, उनसे अवश्य जो भी पदाधिकारी जहाँ उपस्थित हों जाते हुए सभा में लेके जाएं।